हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3G से कुछ क्वेश्चंस। क्लास 8 की बुक है फ्रेंड्स, RS अग्रवाल की, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट चैप्टर 3। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें इवेल्युएट करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है अंडर रूट में 16/81। तो एज वी नो फ्रेंड्स, 16 4 का स्क्वायर हो जाता है, अंडर रूट से ये बाहर आ जाएगा 4, एंड 81 9 इंटू 9 होता है 81, तो 9 बाहर आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4/9। इस तरह से फ्रेंड्स हम ओरली भी कर सकते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं इस तरह से। फैक्टर फाइंड करेंगे सबसे पहले, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। देन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयर बन के बाहर निकल आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 16/ में अंडर रूट 81। ठीक है, तो 16 अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स। ओके फ्रेंड्स, देन यहाँ पे दो दो की पेयर बन के बाहर निकल आएंगे, 2 × 2 यहाँ पे ये बच जाएगा रिमेनिंग। अब 81 यहाँ पे हम 81 का फैक्टर फाइंड करेंगे, 3 से करेंगे, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम्स हो जाएगा। देन यहाँ भी ये दो दो का पेयर बन जाएगा एंड 3 × 3 ये बाहर निकल आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच जाएगा, 2 × 2 4/ में 3 × 3 9, 4/9 ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर। इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन फ्रेंड्स आप देख रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें फाइंड करना है क्वेश्चन 2 में अंडर रूट में 64/ में 225। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 64 का फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, अगेन 2 से हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। देन फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 का 3 पेयर बन रहा है। एक बार हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, 2 × 2 × 2 6 टाइम आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 3 का पेयर बन गया है फ्रेंड्स 225। इसका भी फैक्टर फाइंड कर लेंगे, 3 से जाएगा ये, 3 7 21, 3 5 15, अगेन 3 से हो जाएगा, 3 2 6, 3 5 15, 5 से चला जाएगा, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 3 × 3 × 5 × 5, यहाँ पे 3 का एक पेयर बनेगा, एक पेयर 5 का बनेगा। तो रूट से बाहर क्या निकल आएगा फ्रेंड्स, यहाँ न्यूमरेटर में 2 × 2 × 2 / में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 × 5, दैट मीन्स वी हैव 2 2 4, 4 2 8 / में 3 5 15, 8 में 15 ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे हम ऑलरेडी जानते हैं 64 स्क्वायर होता है 8 का एंड 225 स्क्वायर होता है 15 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्वेश्चन देखकर ही ओरली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, 8/15। इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम ऐसे फैक्टर फाइंड करके करेंगे सॉल्व, और कुछ क्वेश्चन को हम डिवाइड दे करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, दोनों ही मेथड से। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे फ्रेंड्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में 121/ में 256 अंडर रूट में है। देन फ्रेंड्स यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है सबसे पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 121 ये वाली मेथड से। 1 से सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, 1 1 जा 1, रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे 21, 1 टाइम में जाएगा। देन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ गया, 1 and 1 11, 121 किसका स्क्वायर रूट हो गया फ्रेंड्स, 11 का। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं
11 अपॉन में 256, तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट इसका फाइंड करेंगे 256 का। यहाँ से पेयरिंग होती है राइट साइड से, इस तरह से पेयर बन जाएगा। यहाँ पे 2 2 4 हो जाता है, 1 से करेंगे 1 1 1, यहाँ पे ऐड कर देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सबट्रैक्ट हो जाता है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 56 को एज इट इज़ लिख देंगे। देन फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम देखेंगे कि किससे यहाँ पे डिवाइड जा सकता है, 6 से करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे 6 है, 6 × 6 36 होता है, तो 6 आएगा, 26 × 6 हो जाएगा यहाँ पे, 6 × 6 36 कैरी आई थी, 6 2 12 प्लस 3 15 आ जाएगा यहाँ पे, ये पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा 6 टाइम में। देन फ्रेंड्स 256 जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा 16 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दिया, 256 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 16, मीन्स यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11/16। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम फैक्टर फाइंड करके ये भी कर सकते हैं, जैसे 121 है तो इसका फ्रेंड्स फैक्टर फाइंड कर सकते हैं 11 से, ये तो डायरेक्ट ही जाएगा। देन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 11 × 11 अपॉन में 256, इसका फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 से जाएगा, 10 फ्रेंड्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स है 2, एक बार हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स इस तरह से हमने लिख लिया है ताकि ये इतने स्पेस में हो जाए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 11 का एक पेयर बन रहा है, स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 11 अपॉन में यहाँ पे 1 2 3 4, 2 के 4 पेयर्स हैं, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स, 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16, देन यहाँ पे 11/16 ये आंसर हमें मिल जाएगा, जो कि फ्रेंड्स सेम है यहाँ पे जो हमने फाइंड किया है, ये मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया है फ्रेंड्स, और ये हमने वैल्यू यहाँ पुट किया और यहाँ पे हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने दोनों ही मेथड से सॉल्व किया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए फ्रेंड्स इसे हमें रफ करना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है फ्रेंड्स अंडर रूट में 625 अपॉन में 729, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 625 अपॉन में अंडर रूट में 729। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें दोनों ही डिजिट्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, हम फाइंड करेंगे 625, राइट साइड से पेयरिंग होती है, यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा 2 से जाएगा, 2 2 4, 6 में से 4 जाएगा, रिमेनिंग बचेगा 225 एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 + 2 हो जाता है यहाँ पे 4, 5 से करेंगे फ्रेंड्स, ये 2 यहाँ पे एंड ये 5 टाइम्स यहाँ पे, 5 से करेंगे फ्रेंड्स, 5 5 = 25 कैरी आई 2, 5 4 = 20 + 2 = 22, यहाँ पे फ्रेंड्स ये कैंसिल हो गया, तो 625 का स्क्वायर रूट हो गया 25, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और 729 का हमें फाइंड करना है, फाइंड करेंगे 729, राइट साइड से पेयरिंग हो गई 4, 2 से करेंगे 2 2 4, यहाँ पे रिमेनिंग बच गया 329 एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स 7 से करके देखते हैं, 7 7 = 49 कैरी आई 4, 7 4 = 28 + 4 = 32, तो ये 7 टाइम्स में फ्रेंड्स पूरा कैंसिल हो गया है, रिमाइंडर 0 हो गया है, देन 729 किसका स्क्वायर हो गया फ्रेंड्स 27 का, तो 25/27 ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हमारा।
इस तरह से हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है और वैल्यू को फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे फ्रेंड्स गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में 3 होल 13 अपॉन में 36। तो इसको फ्रेंड्स सबसे पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यहाँ पे 3 × 36 हो जाएगा, सबसे पहले 108 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 13, 121 आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे, अपॉन में 36 रहेगा और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। इसको फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 121 अपॉन में अंडर रूट में 36। देन फ्रेंड्स एज वी नो 121 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 11 × 11 अपॉन में 36 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम करके देख लेंगे। वैसे तो 6 का स्क्वायर होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स 6 × 6, देन अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 11 अपॉन में 6, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स गिवन है 3 होल 33 अपॉन में 289, मिक्स फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसके लिए क्या होगा, 289 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, एट हंड्रेड सिक्सटी सेवन हमें मिलेगा, इसके बाद ऐड हो जाएगा इसमें 33, आ जाएगा यहाँ पे 900 एंड डिनोमिनेटर क्या रहेगा 289 सेम रहेगा। इसको फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 900 अपॉन में अंडर रूट में 289। अब फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, सबसे पहले 900 राइट साइड से यहाँ पे हमने पेयरिंग कर ली है, 3 से करेंगे, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 9 ये 0 कैंसिल हो गया, 3 + 3 = 6 हो गया, एंड 0 एज इट इज़ लिख लेंगे, 0 से 0 टाइम में चला जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 900 का स्क्वायर रूट आ गया यहाँ पे 30 अपॉन में 289 का। अब हमें फाइंड करना है फ्रेंड्स स्क्वायर रूट 289, पेयरिंग करेंगे राइट साइड से, 1 से जाएगा, 1 + 1 = 2 आ गया यहाँ पे, 1 × 1 = 1, 2 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे आएगा 1, 89 एज इट इज़ लिख देंगे, 7 टाइम से करके देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, 7 × 7 = 49, 9 आ गया, कैरी आ गई 4, 7 × 14 + 4 = 18 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 7 टाइम में ये पूरा डिवाइड चला जाएगा, मीन्स 289 स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा 17। देन फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30 अपॉन में 17। इसको फ्रेंड्स हम मिक्स फ्रैक्शन में अब चेंज करके भी लिख सकते हैं, डिवाइड दे देंगे 17 से, 17 × 1 = 17, रिमेनिंग यहाँ पे क्या बच जाएगा फ्रेंड्स 13 अपॉन में 17, 1 होल 13 अपॉन में 17। तो फ्रेंड्स हम ये भी लिख सकते हैं आंसर, जैसा कि क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था तो हमने आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन में ही कर लिया है। और इस तरीके से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 था ये, इस तरह से बुक से आप देख सकते हैं। अभी जो हमने सॉल्व किया है फ्रेंड्स 3 होल 33 अपॉन में 289, ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 मिस हो गया, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 6 में गिवन है फ्रेंड्स 4 होल 73 अपॉन में 324।
यहाँ पे फ्रेंड्स मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। 324 इंटू 4 हो जाएगा 1296, इसमें ऐड हो जाएगा 73, देन क्या मिलेगा 1369 अपॉन में हो जाएगा 324। देन फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1369 अपॉन में अंडर रूट में 324। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सबसे पहले 1369 का राइट साइड से पेयरिंग करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे 3 से जाएगा फ्रेंड्स, 3 3 ज़ा 9, 13 में से 9 जाएगा, बच जाएगा 4, 69 एज इट इज़ लिख लेंगे, 3 प्लस 3 हो गया 6। यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम 7 से करके देख सकते हैं, 67 इंटू 7 करेंगे कितना आ जाएगा, ओके फ्रेंड्स यहाँ पे 7 टाइम्स में पूरा डिवाइड हो जाएगा, 37 का स्क्वायर हो गया 1369, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 37 अपॉन में 324, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, 324 राइट साइड से पेयरिंग हो जाएगी, 1 1 ज़ा 1 सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे, 24 एज इट इज़ लिख लेंगे, 1 प्लस 1 2 हो गया यहाँ पे, 8 से करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, 8 8 ज़ा 64 कैरी आई 6, 8 2 ज़ा 16 प्लस 6 22। देन फ्रेंड्स यहाँ 8 टाइम में पूरा डिवाइड हो गया है, मीन्स 324 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 18। देन फ्रेंड्स हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है 37 अपॉन में 18। इसको फ्रेंड्स हम डिवाइड दे सकते हैं एक बार और, देन हमें क्या मिल जाएगा, 18 2 ज़ा 36 होता है, यहाँ रिमेनिंग बच गया 1 अपॉन में रहेगा 18, 2 होल 1 अपॉन में 18, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। इसके बाद फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10, जो कि हम सॉल्व करेंगे। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखेगा फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी होने वाली है ये वीडियो, और इसमें ये क्वेश्चंस भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे हैं, इजी हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स 2 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है फ्रेंड्स अंडर रूट 80 अपॉन में अंडर रूट में 405, तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 80 इसका हम फैक्टर फाइंड करेंगे, देन फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 80 को अंडर रूट में 2 into 2 2 2 4 टाइम्स इंटू 5 अपॉन में 405, इसका भी फाइंड कर लेंगे फ्रेंड्स। 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर से 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15, एंड 5 से 5 1 ज़ा 5। देन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 into 3 into 3 4 टाइम्स और 5 इंटू में, देन फ्रेंड्स यहाँ पे 2 into 2 रूट से बाहर निकलेगा इंटू में अंडर रूट 5 अपॉन में 3 into 3 बाहर निकल गया रूट से और इंटू में हो जाएगा अंडर रूट 5, देन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा,
रिमेनिंग बच गया 2 2 ज़ा 4 अपॉन में 3 3 ज़ा 9, 4 अपॉन 9 ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है फ्रेंड्स अंडर रूट में 1183 अपॉन में अंडर रूट में 2023, इसे हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले 1183 इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 से ये कैंसिल नहीं होगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 5 6 7, 7 से करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 एंड 7 9 जा 63। इसके बाद फ्रेंड्स 7 से फिर से हो जाएगा 7 2 जा 14, फ्रेंड्स यहाँ पे 7 से नहीं होगा, 13 से हो जाएगा, 13 1 जा 13, रिमेनिंग बचेगा ठीक है 13 3 जा 39, अगेन 13 से हो जाएगा, 13 1 जा 13। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 × 13 का स्क्वायर अपॉन में 2023, इसको फैक्टराइज करेंगे, ये भी 7 से जाएगा, 289 टाइम्स में। इसके बाद एज वी नो 289 टाइम 289 किससे कैंसिल होगा, 17 से। देन फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो जाएगा इसका फैक्टर्स 7 × 17 का स्क्वायर। देन फ्रेंड्स यहाँ पे 13 स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 13, रिमेनिंग बच जाएगा √7 अपॉन में 17 स्क्वायर है, तो 17 बाहर आ गया, रिमेनिंग बच गया √7, यहाँ पे √7 से √7 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बचा 13 अपॉन में 17, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया है, 13 अपॉन में 17 ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करेंगे। गिवन है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में अंडर रूट 98 × में अंडर रूट में 162। देन फ्रेंड्स यहाँ पे 98 फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 से जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 162 इसको भी फाइंड कर लेंगे, 7 फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 का स्क्वायर, 162 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 × 3² × 3² यहाँ पे 3 के 2 पेयर बन रहे हैं। देन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा रूट से, 7 √2 मिल गया हमें, और यहाँ पे फ्रेंड्स 3 × 3 बाहर आ जाएगा रूट से, रिमेनिंग बचेगा √2, 7 √2 × में हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 √2। देन यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 7 × 9 इंटू में √2 × √2 क्या हो जाता है, 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 63 × 2, दैट मीन्स 126 ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इस तरह से हमने सॉल्व किया है फ्रेंड्स।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।